नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मारुति सुजुकी, वॉक्सवैगन, स्कोडा, निसान और रेनॉल्ट जैसी कार कंपनियां पहले ही भारत में अपनी डीजल गाड़ियों को बंद कर चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब होंडा कार्स इंडिया भी जल्द ही अपनी डीजल गाड़ियों को बंद करने की सोच रही है। एक ऑनलाइन मीडिया पब्लिकेशन से बात करते हुए होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO ताकुआ ने बताया कि कंपनी डीजल इंजन के बारे में ज्यादा नहीं सोच रही है। बिहार पटना सिविल कोर्ट भर्ती के तहत कलर स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, सह गवाही लेखक, चपरासी के कुल मिलाकर 7692 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर यानी आज से शुरू हो गया है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट dcprequirement.in पर विजिट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना है, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण को लागू करने के लिए बिहार सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट से शीघ्र सुनवाई करने को कहा है। दिसंबर 2021 में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2010 के आदेश में निर्धारित 3-5 की अर्हता पूरी नहीं कर लेती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। IIT भिलाई के निदेशक रजत मूना को IIT गांधीनगर का निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि IIT धारवाड़ के निदेशक सेशु को IIT गोवा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य के कई जिलों में दिखने के बाद अब सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र के धनौती और बहेलिया चंबड़ में मगरमच्छ देखा गया है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं। लोगों को इसकी सूचना तब मिली जब वह खेतों में धान की सोहनी के लिए गए थे। ग्रामीणों का कहना था कि इस तरह से घूम रहे मगरमच्छ से कई तरह के खतरे हैं, जिससे लोगों के जान माल का खतरा बढ़ जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर स्थिति कुछ साफ होती जा रही है। हालांकि वायनाड सांसद राहुल गांधी मैदान में होंगे या नहीं, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर G23 नेताओं में शामिल रहे शशि थरूर पद पर दावा पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले अशोक गहलोत भी रेस में आगे चल रहे हैं। सड़क हादसों में कमी लाने और तेज गति पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस स्पीड रडार गन की मदद लेने जा रही है। इसकी शुरुआत राज्य के से गुजर रहे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाकर की जाएगी। धीमे धीमे कर सभी प्रमुख मार्ग पर स्पीड गन स्थापित कर दी जाएगी। बिहार में इन 5 हाईवे पर 1400 किलोमीटर में 114 हॉटस्पॉट हैं। यहाँ राज्य में कुल हादसों में 50% हादसे इन्हीं स्थानों पर होते हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एक बार में मिलने वाले नगद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कुल चंदे में नगद की सीमा अधिकतम 20% या 20 करोड़ रुपए तक सीमित करने की बात कही गई है। इसका मकसद चुनावी चंदे को काले धन से मुक्त करना है। थर्ड AC में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। इसमें सफर करने वाले यात्रियों को कम किराया लगेगा। यह सुविधा उन्हें थर्ड AC इकोनॉमिक कोच में जल्द मिलने वाली है। पूर्व मध्य रेल ने फिलहाल थर्ड AC इकोनॉमिक श्रेणी को 22 कोच मिले हैं। इसकी संख्या और बढ़ सकती है। इसे अधिक मांग वाली ट्रेनों में लगाया जाएगा। आगामी 22, 23 और 24 सितंबर को यूनेस्को के प्रतिनिधि दल के कोलकाता के दुर्गा पूजा के प्रीव्यू शो का आयोजन किया गया है। टाउन हॉल में आयोजित होने वाली इस प्रीव्यू शो में महानगर के 22 प्रमुख पूजा पंडालों का पूर्व दर्शन कराया जाएगा। इसके साथ ही 2 पारंपरिक दुर्गा पूजा और 2 घरेलू दुर्गा पूजा को प्रदर्शित किया जाएगा। सार्वजनिक कला से जुड़ा यह भारत का पहला प्रीव्यू शो होगा। इमरान हाशमी के साथ कश्मीर में कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई, यह जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इमरान हाशमी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि कश्मीर के लोग बहुत आवभगत करने वाले रहे। श्रीनगर और पहलगाम में शूटिंग करके बहुत मजा आया। पत्थरबाजी में मेरे घायल होने की खबर एकदम झूठी है। कश्मीर घाटी का पहला मल्टीप्लेक्स आज खुल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मल्टीप्लेक्स के खुलने से कश्मीरियों को 3 दशक से ज़्यादा वक्त के बाद बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मौका मिलने जा रहा है। 2 दिन पहले पुलवामा और शोपियां में भी मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया था।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर सिटीजन कस्टमर के लिए अच्छी खबर है। SBI की तरफ से सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा रिटर्न दिया जाएगा। SBI ने एक बार फिर सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को बढ़ाया है। स्पेशल स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल के लिए FD करने पर 6.45% का ब्याज दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों के कथित जातियों के बीच पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी सरकार की घोर आलोचक रहीम बनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। 32 साल तक शानदार सेवा देने के बाद INS अजय को सोमवार यानी 19 सितंबर भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के 400 से अधिक कर्मियों की मौजूदगी में INS अजय को डीकमीशन किया गया। इस कार्यक्रम में फ्लैग ऑफिसर, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच भले ही बारिश में धुल गया, लेकिन इस मैच में सचिन ने कुछ ऐसा किया जिसने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का महानतम क्रिकेटर कहा जाता है। तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 55 आदिवासी बच्चों को सोमवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंडिया लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। महिंद्रा ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी महिंद्रा थार और महिंद्रा XUV 700 के दामों में इजाफा कर दिया है। महिंद्रा द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद ऑफ रोडिंग के लिए प्रसिद्ध महिंद्रा थार को खरीदने के लिए अब लोगों को 28,000 ज़्यादा खर्च करने होंगे। वहीं XUV 700 के दाम पेट्रोल वेरियंट पर 22,000 से 35,000 और डीजल वेरियंट पर 20,000 से 37,000 तक बढ़ गए हैं। सर संचालक मोहन भागवत का कहना है कि विकास के लिए भारत को किसी दूसरे देश की नकल करने के बजाय भारत बनकर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन, रूस, अमेरिका बनने का प्रयास करेंगे तो वह नकल करना होगा। भागवत ने कहा कि ऐसा करने पर लोग तमाशा देखने जरूर आएंगे, लेकिन वह भारत का विकास नहीं होगा। भारत के इतिहास और उसके धन व रन गौरव को लगातार गलत बताने वाले लोगों पर विश्वास करना गलती थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अदालत ने उनके जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 सप्ताह के अंदर गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने BMC को अवैध निर्माण गिराने का आदेश देते हुए यह माना है कि बंगले के कुछ हिस्से के निर्माण में कोस्टल रेगुलेशन जोन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स का उल्लंघन किया गया है। जस्टिस RD धानुका और कमल खाता की बेंच ने कहा कि BMC राणे परिवार की कंपनी के आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती। आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म डॉक्टर जी का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। यानी जैसी गंभीर फिल्म करने के बाद आयुष्मान खुराना फिर एक बार पब्लिक को हंसाने के लिए लौट आए हैं। फिल्म की कहानी एक MBBS स्टूडेंट के बारे में है जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में इकलौता मेल स्टूडेंट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MLS कांड पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 3 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे जा चुके हैं और मामले में 4थी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्राओं को घर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। छात्राओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उन्हें हॉस्टल छोड़ घर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वह जाना नहीं चाहती। इंडियन यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सरकारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT ने कहा है कि सोबा एंड्रॉयड ट्रोजन यूजरनेम और पासवर्ड को की लॉगिंग के जरिए बैंक डिटेल एक्सेस कर लेता है। यह कुकीज की चोरी करके फोन में मौजूद ऐप्स में छिप जाता है। शुरुआत में यह अमेरिका, रूस और स्पेन के यूजर्स को अटैक करता था, लेकिन जुलाई 2022 में इसने भारत में भी एंट्री कर ली है। सेफ्टी के लिए गूगल प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच और अपडेट्स को जरूर इंस्टॉल करें। बैंक SMS लिंक को भी चेक करें। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम भारत में एंटी साइक्लोनिक प्रवाह के कारण अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कम बारिश की संभावना के साथ मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 4,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 4,043 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 4,676 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में अब कोरोना के कुल एक्टिव केस 47,379 हो गए हैं। भारत में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.37% है। इस बार 15 जनवरी सेना दिवस परेड को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। सेना दिवस परेड अगले साल दक्षिणी कमान क्षेत्र में आयोजित होगी। इसकी जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ANI को दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महत्वपूर्ण आयोजनों और उत्सवों को स्थानांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी।
अशोक विश्वविद्यालय में सामाजिक प्रभाव और परोपकार केंद्र और वर्ल्ड पैनल डिवीजन ऑफ कंचार द्वारा हाउ इंडिया गिव्स 2021-22 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों ने ज्यादातर दान नकद में दिया है। इस अध्ययन के लिए 18 राज्यों के कुल 81,000 परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक आस्था प्राथमिक तौर पर भारतीयों को दान करने के लिए प्रेरित करती है। दक्षिण भारत ने सबसे अधिक औसत राशि दान की है, उसके बाद पश्चिम भारत का स्थान आता है। पूर्वी और उत्तर भारत में दान देने के मामले में सबसे अधिक रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी की दीवार गिर गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें तीनों एक ही परिवार के थे। मरने वाले में धर्मवीर पुष्पेंद्र 25 साल का, पन्ना लाल 25 साल और अमित 18 साल का है। पुष्पेंद्र, पन्ना और अमित एक ही परिवार के थे। तीनों बदायूं के रहने वाले थे, जबकि धर्मवीर संभल का रहने वाला था। MiG-21 फाइटर जेट्स की जम्मू कश्मीर बेस्ड स्क्वाड्रन को रिटायर करने की योजना है। स्क्वाड नाम की ये स्क्वाड्रन सितंबर के आखिर तक रिटायर की जा सकती है। उम्र दराज हो चुके मिग फाइटर्स की बची हुई 4 स्क्वाड्रन में से स्वॉर्ड आर्म भी एक है। सूत्रों का कहना है कि सिलसिलेवार ढंग से बची हुई 3 स्क्वाड्रन को भी रिटायर कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया 2025 तक पूरी होगी। देश में 2017 से 2022 के बीच कंपनियों में बॉस की कुर्सी तक पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। साल 2017 में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाली महिलाएं 17% थी, जो 2022 में 38% हो गई है। यानी कि 5 साल में दुनिया भर में बॉस बनने वाली महिलाओं की तुलना में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पुष्पा राज, लक्ष्मी कुशवाहा, के सिन्हा, नुनू कुमार, रविशंकर, अर्जुन राम, भान प्रकाश मौर्य, अजय भाई, ताजदार आलम, दीपक कुमार और अखिलेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे होना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।